हेलो माय डियर एंड रिस्पेक्टेड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग। तो बताइए कैसे हैं सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ। तो हो चुकी है सुबह, हर दिन की तरह मैं अपने किचन में बना रही हूँ चाय। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मेरे दिन की शुरुआत होती है चाय से। हम उठते हैं और सबसे पहले चाय बनाते हैं। ये मेरी पहले से भी आदत थी और वही आदत अभी भी है। तो सुप्रभात माय डियर एंड रिस्पेक्टेड फैमिली, आप सभी का दिन मंगलमय हो। और चाय बनाने में कोई खास कलाकारी नहीं होती, अपने अकॉर्डिंग दूध ऐड कीजिए, पानी ऐड कीजिए, चीनी एक कप चाय में एक चम्मच चीनी, आधा चम्मच चाय पत्ती के अकॉर्डिंग, जो भी फ्लेवर पसंद हो, जिंजर, छोटी इलायची, तुलसी का पत्ता, दालचीनी, जो भी फ्लेवर पसंद हो वो उसमें कुछ पीस करके ऐड कर दीजिए। पकना चाहिए चाय को, एक बार तेज आंच में खोल जाए, उसके बाद फिर आंच को धीमा करने के बाद खूब अच्छे से पका दीजिए। चाय बन करके रेडी हो गई है। तो आ जाइए, आप सभी का मोस्ट वेलकम है मॉर्निंग टी पर मेरे साथ मेरे घर पे। और हम बनाने जा रहे हैं सेवई। तो सेवई बनाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन कर दी है, गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई गर्म हो गया, उसमें देसी घी ऐड कर दिया है। देसी घी गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा घी को गर्म नहीं करना है। फ्राई या भूनते तलते वक्त कोई भी चीज़ जो ऑयल हमारा होता है उसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमें तला भुनना होता है वो जल तो जल्दी से जाता है पर भुन नहीं पाता है या अच्छे से फ्राई नहीं हो पाता। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं होना चाहिए। तो और ऐसे में खीर बनाते वक्त देसी घी का ही यूज़ सभी लोग करते हैं, क्योंकि उसका जो फ्लेवर होता है अच्छा होता है। इसलिए तो हम देसी घी एक चम्मच इसमें देसी घी ऐड कर दिए हैं और इसको हम भून लेंगे बहुत अच्छे से रेड होने तक, क्योंकि जब ये दूध में हम इसे ऐड करेंगे तो ये डिसकलर हो जाएगा, इसका कलर जो है हल्का हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। इसलिए हमें इसे काफ़ी रेड कलर में भूनना है। समय भूनने में चार पाँच मिनट का समय लगता है। शुरू से अंत तक समय बनने में 10 मिनट का समय लगता है। 10 मिनट में समय बन करके रेडी हो जाती है। और सेवई बनाने का खास रीज़न ये है कि मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, या हो रहा था या हो रहा है, अभी भी हो रहा है, पर अभी दवा लिए हैं ना तो कम है, दवा के असर से कम है, बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर बोले थे कि कड़ा चीज़ नहीं खाना है, जिसे चावल रोटी ये सब नहीं खाना है। तो एक दिन तो हम खिचड़ी बनाए, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, इसको हम तल लिए हैं, इसमें देसी घी में तल करके सेवई के साथ ही इसमें ऐड कर देंगे, ये पक जाएगा। और इसमें है गरी, किशमिश, काजू बादाम, यही है। और इसको फ्राई करके इसमें हम ऐड कर दें ताकि साथ में ये भी पक जाएगा। किशमिश भी ऐड करना है, पर किशमिश ना हम वो करते वक्त दूध में पकाते वक्त नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि जब भी हम दूध में पकाते वक्त किशमिश ऐड करते हैं तो मेरा खीर या सेवई फट जाता है। तो इसलिए हम लास्ट में ऐड करते हैं चीनी को ऐड करने के बाद चीनी को भी थोड़ा सा पक जाता है, उसके बाद हम किशमिश ऐड करते हैं। तो वही सेवई खिचड़ी तो बेटे को पसंद आई नहीं, तो बोला कि माँ आज आप सेवई बना दीजिए, मेरे लिए पराठा बना दीजिएगा, मैं सेवई पराठा खा लूँगा, आप सेवई खा लीजिएगा, मुझे खिचड़ी नहीं पसंद है। और तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए हम और दाल चावल वगैरह खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, एकदम मन नहीं कर रहा था। तो इसीलिए बस यही शॉर्टकट चल रहा था, मेरे चलते मेरे बेटे को भी प्रॉब्लम हो रही थी, हालांकि बच्चे मेरे काफ़ी समझदार हो गए हैं। तो इसी तरह से सेवई बनाना है और क्या, सेवई खीर बनाने में कोई बहुत बड़ी कर, ये छोटी इलायची है, इसको कूट करके इसमें ऐड कर देंगे। छोटी इलायची किसी भी चीज़ में, खास करके मीठे में, कूट करके ऐड करने से उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये हम इसमें ऐड कर दिए हैं, इसको पका देंगे। और इसी में चीनी नाप करके एक कटोरी चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को भी ऐड करने के बाद थोड़ी देर हम चीनी के साथ भी सेवई को पकाएंगे ताकि चीनी कच्चा न रह जाए। और क्या, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है। अब ये किशमिश हम इसमें ऐड कर दिए हैं, गैस बंद कर चुके हैं, किशमिश ऐड कर दिए हैं। किशमिश भूनते वक्त फूल जाता है, खुद ही खुद लाल सा हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सेवई बन करके रेडी हो गई है, ये सेवई आप सबके लिए, आइए और खा लीजिए आप सब भी। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने घरों में खुश रहिए। थैंक यू।